अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज की वीडियो आपके साथ फटाफट से ये शेयर करेंगे कि जर्मनी में फ्लू मार्केट यानी जिसे आप कह लें कि लंडा बाज़ार हर वीकेंड पे लगता है, तो इस लंडा बाज़ार के अंदर फ्लू मार्केट में आपको घर की जो चीज़ें हैं काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं और अच्छी क्वालिटी भी वाली चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। तो आए आपके साथ ये वीडियो फटाफट से शेयर करते हैं। जनाब जी, लंडा बाज़ार की एंट्रेंस है। और ये अंकल के पास मुझे ये एक चीज़ पसंद आई थी, ये 50 यूरो का टोका दे रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है 50 यूरो का, पर वो महंगा दे रहे हैं। ये है इनके पास ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें जो हैं इनके पास पड़ी हुई हैं। ये देखिए, एक अंकल ने ये स्टॉल लगाया हुआ है, कितना ज़बरदस्त और कितना प्यारा करके खूबसूरत किस्म का उन्होंने ये स्टॉल लगाया हुआ है, माशाल्लाह से माशाल्लाह से। जो आंटी थी, इस आंटी से जो है मैंने बच्चों की आंखें और गाड़ी ली है, ये आंटी बहुत अच्छी थी, इनसे जो है मैंने चीज़ें ली हैं। वो बीमार हैं बेचारी, वो देखें आपको, वो उनको सांस का मसला, तो वो ऑक्सीजन लेती थी। तो ये जनाब आपके साथ आज फ्लू मार्केट का वीज़ा तो आपको करवाया है, और अगर कोई मेरा बहन भाई इस फ्लू मार्केट में स्टॉल लगाना चाहता है, चीज़ें बेचना चाहता है, तो इसके लिए आपको किसी पेपर की ज़रूरत नहीं होती, किसी कार्ड की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आप यहाँ पे पुरानी चीज़ें बेचना चाहते हैं तो घर की, तो आप इधर आएँ, मीटर के हिसाब से ये पैसे लेते हैं, पर मीटर इस मार्केट का जो रेट है 11 रुपये है, और कम से कम आपने 3 मीटर जो है वो जगह किराए पे लेनी है, यानी 33 यूरो आपने देने हैं, कम से कम 3 मीटर जगह आपने लेनी है। तो इस मार्केट में आके आप अपने लिए घर की जो पुरानी चीज़ें हैं वो भी बेच सकते हैं, और अगर आपने नई चीज़ें बेचनी हैं तो नई चीज़ें बेचने का ये 15 यूरो पर मीटर जो है वो ले रहे हैं। और और ये बाबा है यार, इसने स्टॉल लगाया हुआ है, ये बड़ा खतरी बाबा है। एक चीज़ मुझे इससे पसंद आई थी तो थोड़ा सा इसने मूड दिखाया, मैंने इससे ली ही नहीं, मैंने इस खतरी बाबे से ली ही नहीं, वो पीछे ही पड़ गया मेरे, लीला लीला मैं क्या नहीं। ये था बच्चों वाला साइकिल, थोड़ा गुस्से में बोला मैंने लिए ही नहीं, अच्छे पड़ गया, आ जा ले जा ले जा, मैं क्या नहीं पाई हूँ बस। और ये जनाब इन्होंने टॉयलेट की सहूलत भी दी हुई है, अगर आपके पास पैसे हैं तो 50 यूरो 50 सेंट आप इसके अंदर डाल दो, नहीं तो फ्री यूज़ कर लो। ये बाबा है, ये बड़ा खतरी बाबा है, इसने जनाब ये साइकिल लगाई है। ये जनाब अपने पाकिस्तानी भाई हैं, देसी भाई हैं, इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है, चार्जर घड़िए पर्स, इन्होंने बड़ा रियायत मुझे एक स्टैंड दिया 5 यूरो का, ये मैंने इनसे लिया, ये वाला, ये हैं पाकिस्तानी भाई। एदी बनानी चाहिए ये वीडियो, ये भी गोरे भी आए हैं जी, ऐसे गोरे भी आए
इस तरह के गोरे भी हैं जर्मनी में, उस बेचारे की नज़र कमज़ोर है, वो खुर्दबीन लगा के जनाब चेक कर रहा है, एक चेक कर दा कि ये प्या साइज पे चेक कर दो, साइज भी नंबर की लिखे नंबर पे, अच्छा वाह जी वाह, वो समझ में बोल भी नहीं ना सकता, अच्छा अच्छा मैं की कर रहा हूं नाम नु पूछ सकना ना, चलो बेचारा आया है थोड़ी छड़ी है, रकड़ी जनाब वजन करने वाली, पर ये जनाब बड़ी दिन हो गए थे ये तरकड़ी नहीं देखी थी, तो जनाब ये तरकड़ी भी देखी है इधर जनाब, जबरदस्त तरकड़ी भी है जनाब, इसके बट्टे पता नहीं कहाँ है, और ये देखें जनाब यहाँ पे आपको कपड़े और मशीनरी वगैरह जो है वो मिल जाती है। हेलो, eine Kabli Kugel, eine Ticken, normal, eine Hause. 200, ja. 200. Rund. 20 Kabli. Anderes Kabel? Ja, andere. Hast du noch mehr Kabel? Ja, das war eine. और ये जनाब भाई ने स्टॉल लगाया हुआ है 5 रुपए में, ये जो शापर आप देख रहे हैं ये वाला शापर भर लो 5 यूरो में, जितनी चीज़ें आती हैं इसके अंदर डाल लो 5 यूरो में, ये देखें चाबियाँ जनाब उजार चाबियाँ देखें और तो देख जनाब, चीज़ें आपको देखने को काफ़ी मिल जाती हैं यहाँ पे, उजार पुराने जंग लगे, मैं तो फ्लू मार्केट में हूँ तो जनाब मैं ये चीज़ों को आकर देखता हूँ, ये औजार वगैरह काफ़ी अच्छे जो है मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ जर्मनी में आपको पता है कि खुद ही काम करने होते हैं सारे, तो जनाब औजार घर में होने बहुत ज़रूरी है, ये जनाब और ये देखें बच्चों के मोटरसाइकिल छोटे छोटे, कितने प्यारे मोटरसाइकिल हैं जनाब, तारें जनाब चीज़ें मशीनरी स्प्रे बल्ब हर चीज़ जनाब अन्ने वाह मिल जाती है यहाँ पे, तो जी फ्लू मार्केट हम घूम रहे हैं शॉपिंग कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है हमें मिली हैं, ये आप देख लें पीछे रश जड़ा गोरों का कितना रश है, हर चीज़ आपको यहाँ पे फ्लू मार्केट में हर चीज़ जो है आपको मिल जाती है, और ये देखें ये उस तरह पाकिस्तान नाइयों के पास होता था, ये भी मैंने बड़ी देर बाद यहाँ जर्मनी में देखा है, ये उस तरह ये देखें पुरानी चीज़ें आपको देखने को बहुत मिलती हैं यहाँ पर। तो जी ये थी जी हमारी आज की फ्लू मार्केट, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने के बाद सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मिलता हूँ अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।